मोदी के स्पेशल 195 की हम बात कर रहे हैं। 195 उम्मीदवारों का ऐलान पहली सूची में कर दिया गया और दिल्ली में बीजेपी ने अभी 5 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं और उन्हीं में से नई दिल्ली की एक सीट है। नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी की जगह बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है। बांसुरी स्वराज ने एबीपी न्यूज से क्या कुछ कहा है टिकट अनाउंस होने के बाद, सुनवाते। हम इस समय बांसुरी स्वराज के घर पर हैं जिन्हें नई दिल्ली से सांसद का टिकट मिला है बीजेपी का। यहां पर इस समय पूरे नारे लगा रहे हैं, पूरे जोश खरोश है। मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं, यहाँ तमाम मिठाइयां हैं। यहाँ पर बांसुरी जी को लोग मिठाई खिला रहे हैं, और साथ साथ बांसुरी जी को मिठाई आप अगर खिला रही हैं तो बांसुरी जी को एक बार मिठाई खिलाइए। बांसुरी जी से हम चाहेंगे कि बात कर सके। बांसुरी जी लगातार लोगों से मिल रही हैं, लोग स्वागत में हैं और आप देखिए एक के बाद एक लोग आ रहे हैं। मैडम आपको पहले तो एबीपी न्यूज की ओर से बहुत बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या फीलिंग है आपकी इस समय? जी, मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री माननीय बीएल संतोष जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे संगठन महामंत्री प्रदेश में श्री पवन राणा जी और हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी श्री जय पांडा जी और सह प्रभारी बड़ी बहन अलका गुजर जी की और पूरे संगठन की, भारतीय जनता पार्टी की एक एक कार्यकर्ता की कि उन्होंने ये अवसर दिया है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। इसी संकल्प से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर पूरी मेहनत करेगा और इस बार तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा। सुषमा जी को कई बार भाषण देते सुना है, आपने अभी जो नारा शुरू किया उससे लगा कि हाँ वो छवि दिख गई, आपको उम्मीद थी? जी देखिए, ऐसा है, मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और उम्मीद की बात नहीं होती, आदेश और अनुशासन की बात होती है। आदेश आया तो शीर्ष नेतृत्व के आदेश का सरमा थे। बहुत सारे लोग आप प्रचार में भी जाएंगी और बहुत सारे लोग एनालिसिस भी करेंगे कि बांसुरी स्वराज का मतलब क्या है। आप प्रचार में जाएंगी, क्या है बांसुरी स्वराज का मतलब दिल्ली में, खासतौर से सीट के मामले में? बांसुरी स्वराज का अर्थ है भाजपा के कार्यकर्ता। तो कद्दावर बीजेपी नेता और दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी हैं बांसुरी स्वराज। अपने नेतृत्व का धन्यवाद दिया टिकट उनको देने के लिए और साथ ही उन्होंने कहा कि जो आदेश मिला है वो सर माथे पर। अब 400 पार का नारा एक बार फिर से दोहराते हुए बांसुरी स्वराज को आपने सुना। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए और ये है इनकी बहु। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।